कार्यक्रम, नारी शक्ति बंधन का कार्यक्रम जो 9 जनवरी से चल रहा था, उसका समापन पश्चिम बंगाल में अभी आप लोगों ने सुना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमारी माताओं बहनों के लिए 2014 से लेकर 2024 तक पहली बार जब आदरणीय मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से पहली बार उन्होंने संबोधन किया था, तो अपनी माताओं बहनों की चिंता किया था। तब से लेकर 2024 आ गया, लगातार पहले दिन से लेकर आज तक माँ बहन की चिंता करने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते थे। चाहे जनधन खाता हो, चाहे शौचालय हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, चाहे मातृवंदन योजना हो, चाहे समूह हो, चाहे सखी हो, चाहे हमारी माताओं बहनों का जो आवास, पीएम आवास, शहरी पीएम आवास, सीएम आवास सब में मालिकाना हक हो, चाहे घरौनी हो, चाहे चूल्हा गैस चूल्हा हो, हर जगह सम्मान देने के लिए अगर कोई प्रथम स्थान है तो हमारी माँ बहन को है। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से जब से आई तब से लगातार अपनी माँ बहन को आगे करने का काम कर रही है। उसी की एक सबसे बड़ी कड़ी अभी जल्दी ही 33% आरक्षण देके भी किया गया, जिससे हमारी माँ बहन विधानसभा में सदन में अपनी बात खुल के रखेंगी, अपनी समस्याओं को, अपनी बात को अब उनको किसी के बल पे नहीं रहना है, अब वो 33% हर जगह उपलब्ध रहेंगी सदन में, अपने कानून बनाने में उनका 33% योगदान रहेगा। ऐसे बहुत से कार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है जो आप लोगों को जानकारी है, आपके संज्ञान में। अब कहीं का कोटा हो, चाहे सार्वजनिक कोई भी कार्य हो, अगर उसमें अब किसी का नाम आता है तो सबसे पहले जो समूह होता है उसको काम दिया जाता है। ग्रामीण व्यवस्था में जुड़ा हुआ कोई भी कार्य दिया जाता है तो अपनी माँ बहन को व्यवस्था में दिया जाता है। ये सब पहले प्राचीन काल भारत में था, लेकिन बीच में हमारी माँ बहन की स्थिति बहुत बदल गई थी। जब देश में आक्रांता आए तो हमको छुप छुप कर रहना पड़ता था। उसी कल्चर को लेकर जो पिछली सरकारें थी भारत में वो भी लेकर चल रही थी, लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तब से वही पुराना सम्मान कि घर की मालिक जितना पुरुष उतनी स्त्री, उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। जब आवास आपके नाम रहेगा, जब शौचालय आपके नाम रहेगा, जब सिलेंडर आपके नाम रहेगा, जब समूह की व्यवस्था आपके नाम रहेगी, तो आपका सम्मान कहने पे नहीं होना है, अपने आप होना है। इसलिए आप सभी आज बड़ी संख्या में आकर यहाँ बहुत देर से बैठकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस भाषण कार्यक्रम को और धन्यवाद और समाप्त नारी अभिनंदन कार्यक्रम को समाप्त की तरफ बहुत देर से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।